जबलपुर से माँ वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के लिए माँ वैष्णो देवी यात्रा समिति द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। इस सफल ट्रेन तीर्थ यात्रा के संबंध में समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और भविष्य के कार्यक्रमों की योजना से अवगत कराया। माँ वैष्णो देवी यात्रा समिति द्वारा एक पत्रकार वार्ता करते हुए बताया गया कि 25 सितंबर को माँ वैष्णो देवी की यात्रा करके सकुशल श्रद्धालुगण जबलपुर वापस लौटे हैं और माता की अलौकिक कृपा की वजह से यह यात्रा सफल भी हुई है। वही जानकारी देते हुए समिति के वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि परम पूज्य सद्गुरु तपोमूर्ति कल्याण दास महाराज जी के मार्गदर्शन में यह कार्य संपन्न हुआ। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास किए जाते रहे। वही इस अवसर पर सांसद राकेश सिंह सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद रहे। कल 25 तारीख रात्रि को हम स्पेशल ट्रेन द्वारा माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके सकुशल और आनंद पूर्वक अपने नगर को वापस आए हैं। अब इसी क्रम में हमने 28 अगस्त से 3 सितंबर तक मानस भवन में प्रतिदिन सायं 5 से 8 बजे तक श्रीमद देवी महात्म कथा का आयोजन किया है। इसमें हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव तपोमूर्ति बाबा श्री कल्याण दास जी महाराज की अध्यक्षता में प्रमुख कथाव्यास वेदमूर्ति आचार्य श्री गोविंद देव गिरी जी, जो कि वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष भी हैं, मुख्य उद्बोधन उनका माता के विभिन्न स्वरूपों में प्रतिदिन अलग अलग स्वरूप में, जैसे किसी दिन माँ पराम्बा, किसी दिन महाकाली, किसी दिन महालक्ष्मी, महासरस्वती, गायत्री, नर्मदा, इस तरह से अलग अलग दिनों में अलग अलग माता के स्वरूप की महिमा एवं उनके स्वभाव एवं उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जाए, इसके ऊपर अपने विचार और उद्बोधन करेंगे। मेरा नगरवासियों से विनम्र आग्रह है कि यह दुर्लभ अवसर है, दुर्लभ के साथ साथ अनूठा भी है, तो इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। इन 7 दिनों में माँ की भक्ति में ओतप्रोत होकर के मानस भवन में पधार करके माँ के स्वरूपों की महिमा का श्रवण करके अपने आप को धन्य बनाएं एवं 4 सितंबर को इस वैष्णो देवी दर्शन यात्रा का समापन श्री कल्याणी का तपोवन में कन्या पूजन एवं भंडारे के साथ होगा, जो कि प्रातः 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक चलेगा। उसमें भी आप सभी नगरवासी सादर आमंत्रित हैं। जय माता दी। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।